मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के सातवें दिन यानी के 10 जून की, जो कि था आज। हम बताएंगे कि आज के कुछ अहम इवेंट्स के क्या क्या रिजल्ट्स रहे, कौन सा स्टेट गोल्ड मेडल्स ले गया, और आखिर में हम बात करने वाले हैं मेडल टैली की कि आज के दिन खत्म होने के बाद मेडल टैली किस तरह की नजर आ रही है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं रिजल्ट से। तो आज कुछ इवेंट्स में फाइनल्स और सेमीफाइनल्स खेले गए। सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे हॉकी की, जिसके मेन और विमेन के अंदर फाइनल्स हमें देखने को मिले। सबसे पहले मेन फाइनल्स की बात करते हैं, जिसमें पंजाब वर्सेस उत्तर प्रदेश हमें देखने को मिला, लेकिन बाजी पंजाब की हॉकी टीम मार गई और गोल्ड मेडल अपने नाम कर गई। वहीं विमेन के फाइनल्स की बात करते हैं तो वहां पर उड़ीसा वर्सेस हरियाणा हमें देखने को मिला, जहां पर हरियाणा ने ये फाइनल्स जीतते हुए अपने गोल्ड मेडल्स में एक और गोल्ड मेडल शुमार कर लिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आर्चरी की ओर। आर्चरी में कोई आज नॉकआउट राउंड्स नहीं खेले गए, केवल और केवल क्वालिफिकेशन राउंड्स आज के दिन देखे गए रिकर्व और कंपाउंड आर्चरी के अंदर। वहीं कुछ आर्चर्स जो हमें एक्शन में नजर आए उसमें शामिल थे पार्थ सालुंके, रिधि फोर और भजन कौर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले खेल की ओर, जो कि रहना है फुटबॉल। फुटबॉल में गर्ल्स का सेमीफाइनल्स हमें देखने को मिला, जो कि हरियाणा और तमिलनाडु के बीच था, और आज के सेमीफाइनल को तमिलनाडु ने 3 गोल्स से जीतते हुए फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। या आप देखते हैं कि तमिलनाडु कौन सी स्टेट से गोल्ड मेडल के लिए भिड़ती हुई हमें नजर आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम जूडो की ओर। जूडो में मेडल मैचेस हमें देखने को मिले। बॉयज 50 kg कैटेगरी के अंदर दिल्ली के अनुराग सागर गोल्ड मेडल अपने नाम कर गए। वहीं गर्ल्स 40 kg के अंदर महाराष्ट्र की मिताली भोपाल ने गोल्ड मेडल जीत लिया। ये तो थे आज के कुछ अहम इवेंट्स के रिजल्ट्स। अब आखिर में हम बात करेंगे मेडल टैली की। तो कल की ही तरह मेडल टैली में फर्स्ट पोजीशन यानी कि शीर्ष स्थान पर बना हुआ है होस्ट स्टेट हरियाणा। हरियाणा ने अपने नाम अभी तक कर लिए हैं 102 मेडल्स, जिसमें शामिल है 36 गोल्ड। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र बना हुआ है, जिसने 87 मेडल्स अपने नाम किए हैं और उसमें से 33 गोल्ड है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि गोल्ड मेडल में तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है हरियाणा और महाराष्ट्र के, केवल और केवल 3 मेडल्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर ओवरऑल टोटल मेडल्स की ओर हम नजर डालते हैं तो काफी सारा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है इन दोनों स्टेट्स की बीच में। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि हरियाणा अपनी फुल फॉर्म में हमें नजर आ रहा है और हर दिन काफी ज्यादा तादाद में हरियाणा मेडल्स जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं तीसरे स्थान पे कुछ चेंज हमें देखने को मिला। आज मणिपुर की जगह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है कर्नाटक। जी हां, कर्नाटक ने अभी तक 45 मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें से 17 गोल्ड मेडल्स है। तो ये है टॉप 3 स्टेट्स जो कि फिलहाल चल रहे हैं। आज था इस यूथ गेम्स का 7वां दिन। अभी 3-4 दिन बचे हुए हैं, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं इस मेडल टैली में, या कुछ इसी तरीके से हमें मेडल टैली देखने को मिलने वाली है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स और हर जानकारी जानने के लिए आप सब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।